उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय ने मसूरी नगर पालिका के दस्तावेजों को खंगालने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसमें नगर पालिका में अनियमितता की बात की गई है। इस मसले पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। अनियमितताओं के चलते सरकार मसूरी नगर पालिका के कामों की जांच करना चाहती है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने उन पर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है और कहा हम हर जांच के लिए तैयार हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि विकास कार्यों से परेशान होकर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा मसूरी शहर में किए गए ऐतिहासिक कार्यों से वकलाकार परेशान होके द्वेष भावना से ये जांच की जा रही है, और जो ये जांच है बिल्कुल निराधार है। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक तरफा जांच की गई और एक तरफा जांच करके शासन को भेज दी गई है। इस समस्त जांच का हमारे पास पूरा जवाब है। समय आने पर, नोटिस आने पर इसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। कंपनी गार्डन 1 लाख रुपए पर ईयर से बढ़ा के हमने 67 पर ईयर कर दिया, और हमें बोलते हैं कि इसमें ये जांच है, हर जांच के लिए हम तैयार हैं। और मैं शासन से यही अनुरोध करूंगा कि पहले आप सही तरीके से इसकी जांच करवाएं, उसके बाद मेरे को नोटिस दें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।